बच्चों जय हिंद। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, किस प्रकार के जीव शरीर में पाई जाती हैं और कौन कौन से लक्षण हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जिसके आधार पर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं से, यूकैरियोटिक जीवों से इन्हें हम भिन्न मानते हैं, भिन्न करते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो आइए चर्चा करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लाक्षणिक गुण के बारे में। आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के चित्र आपके स्क्रीन पर हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें पाए जाने वाले संरचना के आधार पर सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में यह है केंद्रक। अब इसे पूर्ण विकसित केंद्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला होती है। केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रक में हिस्टोन नाम का विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इस कारण से इसे हम पूर्ण विकसित यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं, आद्यतन, जबकि ये सभी संरचनाएं इसमें अनुपस्थित होती हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो कुंडलित है, उलझे हुए संरचना के रूप में है। इसके चारों ओर कहीं भी केंद्रक कला वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। तो पहला लाक्षणिक गुण है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, अतः प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। केंद्रक कला या केंद्रक भित्ति अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर वॉल या कैरियोथीका अनुपस्थित होती है। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक केंद्रक है, यह यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक है। इसके चारों ओर आपको आवरण दिख रहा होगा, यह है केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, परंतु ऐसा कोई भी आवरण इसके चारों नहीं पाया जा रहा है। यह जो आवरण आपको दिख रहा है, यह कोशिका कला का आवरण है, केंद्रक कला नहीं है। अर्थात केंद्रक कला, केंद्रक भित्ति, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैरियोथीका, न्यूक्लियर वॉल, ये सभी एक ही संरचना के नाम हैं और ये नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला लक्षण देखें, मैंने जैसा कि पहले बताया कि इन कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रिका भी नहीं पाई जाती। देखिए ये यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक है और इस केंद्रक में एक छोटी सी संरचना और पाई जा रही है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस अर्थात केंद्रिका। सामान्यतः प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है, परंतु प्याज की कोशिका के केंद्रक में चार केंद्रिकाएं रिपोर्ट की गई हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति। जैसा कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के भीतर एक गोल अंडाकार गहरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं केंद्रिका, परंतु यह संरचना प्रोकैरियोटिक में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकार का प्रोटीन, जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में नहीं पाया जाता। यह भी एक लाक्षणिक गुण है, जिसके आधार पर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका से पृथक कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखें, अगला लक्षण यह है कि बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी प्रकार की कोई कोशिकांग की जैसी संरचना नहीं पाई जाती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, ऐसी कोई भी संरचना जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। देखिए यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह है हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, यह है गॉल्गी बॉडी। ऐसी संरचनाएं यूकैरियोटिक कोशिका में तो पाई जाती हैं, परंतु जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये रचनाएं पाई जाती हैं?
गॉल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, ऐसी किसी प्रकार के कोशिकांग नामक संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। यह भी इनका एक लाक्षणिक गुण है, विशेषता है। आइए अगले लक्षण की बात करें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए, वह लूप फंदे के समान अथवा उलझे हुए कुंडलित धागे रूप में पाया जाता है अथवा वलयाकार होता है, गोल होता है। इस प्रकार इसे कहते हैं सर्कुलर डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्र तो होता नहीं, उसमें पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कुंडलित फंदे के समान अथवा वलयाकार होता है और वो किसी केंद्रक कला से घिरे हुए नहीं पाए जाते, अपितु ये कोशिका द्रव्य स्वतंत्र रूप से निलंबित रहते हैं, पड़े रहते हैं। आप देखें इसके चारों ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जा रहा है, जैसा कि हम लोगों ने यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में देखा था। तो जब कोई आवरण नहीं होता तो ये यूं ही कोशिका द्रव्य में निलंबित पड़े रहते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। और इस पूरे क्षेत्र को जहां पर ये जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं केंद्राव, न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं कहते, इसे कहते हैं केंद्राव। अर्थात न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड एरिया है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए होता है वो फंदे के समान होता है या वलयाकार होता है या उलझे हुए कुंडलित रूप में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें पाया जाने वाला जो डीएनए वो क्या होता है, ऐसा लीनियर ऐसा होता है अथवा गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं होता। अगले लक्षण की बात करें, डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका डीएनए अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए किसी केंद्रक कला के घेरे के भीतर स्थित नहीं होता। तो कहां पर होता है, स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में ही पड़ा रहता है। डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से निलंबित रहते हैं क्योंकि स्पष्ट केंद्रक कला नहीं पाई जाती और जहां पर ये निलंबित होंगे उस क्षेत्र को कहते हैं केंद्राव या न्यूक्लियोइड कहते हैं। आप देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जा रहा है, ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से निलंबित है, डूबे हुए हैं। श्वसन की प्रक्रिया कहां पर होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी श्वसन क्रिया होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी श्वसन क्रिया होती है, क्योंकि श्वसन एक अत्यावश्यक जैविक क्रिया है जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां पर यह क्रिया होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अर्थात श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम विकर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के अणु का विखंडन होता है और एटीपी के रूप में जैव ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैव ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जैव ऊर्जा का संचय होता है और जैव ऊर्जा का आपूर्ति सप्लाई भी होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, जनरेटर ऑफ सेल भी कहते हैं। परंतु इसके पहले हम लोगों ने अभी चर्चा की कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हरित लवक आदि कुछ भी नहीं पाया जाता। तो बच्चों जब नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया तो फिर ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होगी, क्योंकि ऊर्जा तो उत्पन्न होनी है। आइए देखें, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो अंतःकला है आपके स्क्रीन पर इस पिक्चर में दिख रहा है, यह अंतःकला अंदर की ओर फोल्ड होकर के ऐसी संरचना बना लेती है और यह संरचना कहलाती है मीजोसोम। मीजोसोम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि
कि माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें होती नहीं है। तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले सभी एंजाइम इसी मीजोसोम या इस कला में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया मीजोसोम में अथवा अंतःकला में संपन्न होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर श्वसन की सभी प्रक्रियाएं होती हैं। तो यह एक लाक्षणिक विशेषता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम मीजोसोम में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इसके पहले हम लोगों ने अभी चर्चा की कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी प्रकार की कोशिकांग जैसी रचना नहीं पाई जाती, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंदरा प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका, हरित लवक, ऐसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती। बच्चों आप जानते हैं कि हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे और इससे भोजन बनता है। तो जब हरित लवक नहीं पाया जाएगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अपना भोजन कैसे बनाएगी, क्योंकि अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी स्वपोषी होती हैं, प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण करती हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण करना है तो इसके लिए उनके पास हरित लवक होना चाहिए, परंतु इसमें हरित लवक होता ही नहीं। तो जब हरित लवक नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इंटरनल मेम्ब्रेन, फिर से वही चीज, अंतःकला में होती है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं वो अंतःकला के पास उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु की कोशिकाओं में बैक्टीरियोक्लोरोफिल नाम का एक पर्णहरिम पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। तो यह भी एक लाक्षणिक गुण है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये देखिए ये है हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, परंतु यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हरित लवक नहीं होता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, इंटरनल मेम्ब्रेन में होती है। कभी कभी इंटरनल मेम्ब्रेन की सहायता से बनी हुई कुछ विशेष प्रकार की पटलिका नुमा संरचना होती है, उसमें यह क्रिया होती है। इसलिए जीवाणुओं या अन्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो हरित लवक होता है उसे कहते हैं जीवाणु क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोगों ने देखा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह एक संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं हरित लवक। परंतु ऐसी कोई भी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंतःकला में संपन्न होती है, जैसे कि श्वसन के बारे में हम लोगों ने जाना। केंद्रकी तर्कु, बच्चों केंद्रकी तर्कु एक बर्फी नुमा एक ऐसी संरचना है, रोम्बोइडल शेप एक ऐसी संरचना है जो कोशिका विभाजन के केंद्रक विभाजन के दौरान बनती है। कोशिका विभाजन के बारे में आपने उन्होंने पढ़ा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, इस तरह से संरचनाएं होती हैं और प्रवस्थाएं होती हैं। तो मेटाफेज प्रवस्था में ऐसी संरचना बनती है जैसे आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, उसमें दो सिरे होते हैं, उन्हें कहते हैं पोल या ध्रुव, और दोनों ध्रुवों के बीच में इस स्थान पर अनेकों गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इनके बीच में अत्यंत पतली पतली अल्ट्राथिन माइक्रोफाइब्रिल तंतुओं का एक संबंध पाया जाता है जिसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर, और यह पूरी संरचना कहलाते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल, केंद्र की तर्क। जब इसका निर्माण होता है उस वक्त कोशिका केंद्रक की कला नष्ट हो जाती है, अर्थात जब कोशिका के केंद्रक की केंद्रक कला नष्ट होगी तभी केंद्र की तर्कों का निर्माण होगा, और जब केंद्र की तर्कों का निर्माण होगा तो समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। परंतु यह सब प्रक्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में होती है, क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला होती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि
कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती। जब केंद्रक कला नहीं है तो वो नष्ट कैसे होगी, और जब वो नष्ट नहीं होगी तो केंद्र की तर्कों का निर्माण कैसे होगा, और जब केंद्र की तर्कों का निर्माण नहीं होगा तो समसूत्री विभाजन प्रक्रिया नहीं होगी। अर्थात न तो केंद्र की तर्कों का निर्माण होगा और न ही समसूत्री विभाजन क्रिया होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं समसूत्री विभाजन नहीं करती क्योंकि केंद्र तर्कु उनमें नहीं बनता। एक और लाक्षणिक गुण की बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, बच्चों हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखी है कि प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिकाओं, प्रत्येक कोशिका में एक जीवित तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। यह सर्वप्रथम खोजा गया पदार्थ माना जाता है, इसलिए कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो अर्थात प्रारंभिक, प्लाज्म माने मैटर पदार्थ। अब हम बात करें इस प्रोटोप्लाज्म या कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में। बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका में होता क्या है, कोशिका द्रव के अणु इस प्रकार गति करते हैं, जैसे कहते हैं ब्राउनी गति। परंतु यह गति यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में नहीं होती। और चर्चा करें बच्चों, ये हाइड्रिला नामक एक पौधे की पत्ती की कोशिका का चित्र है और इसके बीच में ये रिक्त स्थान पाया जा रहा है, और इस रिक्त स्थान को हम कहते क्या है, रिक्तिका या वैक्यूल। चूंकि केंद्र में है तो इसका नाम हो जाएगा सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका। अब आप देख रहे हैं कि कोशिका द्रव के घूमने की दिशा बताई गई है इस एरो के द्वारा, इस तीर के निशान के द्वारा। अर्थात के इस रिक्तिका के चारों ओर पूरा कोशिका द्रव गोल गोल चक्कर काट रहा है ऐसे। यदि एक कोशिका में कई केंद्रक हैं और सभी केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव एक ही दिशा में गति करे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक दिशा में गति करे, तो यह गति कहलाती घूर्णन गति। जितनी भी रिक्तिकाएं हैं केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव में, उनके चारों ओर एक ही प्रकार की दिशा में गति होनी चाहिए, तो यह गति कहलाती घूर्णन गति, रोटेशन मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट। परंतु इस उदाहरण की बात करें, इसमें आप देख रहे हैं यह रिक्त स्थान है, यह रिक्तिका है, यह भी रिक्त स्थान है, यह भी रिक्तिका है, यह भी रिक्त स्थान है, यह भी रिक्तिका है। परंतु इस रिक्त स्थान के चारों ओर कोशिका द्रव के घूमने की दिशा यह दर्शाई गई है, इसके चारों ओर यह दर्शाई गई है। परंतु यदि इसके चारों ओर ऐसे दर्शाई गई है, तो आप देख रहे हैं एक ही कोशिका के केंद्रक के चारों ओर कई रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अगर कुछ के चारों ओर क्लॉकवाइज और कुछ के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जीव द्रव गति कर रहा है, घूर्ण गति कर रहा है, तो इसे कहते हैं परिसंचरी गति, सर्कुलेटरी मूवमेंट। तो दो प्रकार के मूवमेंट आपने देखे मुख्य रूप से, पहला तो आपने देखा ब्राउनी गति, परंतु और घूर्णन गति, परिसंचरी गति। जब एक कोशिका के केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाली सभी रिक्तिकाओं के चारों ओर जीव द्रव एक ही दिशा में गति कर रहा है, या तो सभी के चारों ओर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे कहें घूर्णन गति, रोटेशन। और यदि कुछ रिक्तिकाओं के चारों ओर क्लॉकवाइज, कुछ रिक्तिकाओं के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे कहेंगे परिसंचरी गति, परिसंचरण गति अथवा सर्कुलेटरी मूवमेंट। ये दोनों ही गतियां घूर्णन और परिसंचरी दोनों मिलकर कहलाती हैं चक्रण गति। अर्थात साइक्लोसिस। तो बच्चों आपने तीन प्रकार की गतियों के बारे में जाना, रोटेशन, सर्कुलेशन और ब्राउनी मूवमेंट। ये तीनों प्रकार की गतियां यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में तो पाई जाती हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में नहीं पाई जाती अथवा अपवाद स्वरूप पाए जाते हैं। यह विशेष लाक्षणिक गुण है
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हाइड्रिला की पत्ती की कोशिका में घूर्णन गति और ट्रिडस्कैंसिया नाम के पौधे के स्टेमिनल हेयर में पुंकेसर उमंग ऊपर जो हेयर पाए जाते हैं उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाली जो गति होती है वो परिसंचरी गति होती है, परंतु ये सभी गतियाँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में नहीं पाए जाती। बच्चों आप इस वीडियो में देख रहे हैं किस प्रकार धीरे धीरे घूर्णन गति हो रही है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया जीव द्रव में विशेष प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, ब्राउनी गति, घूर्णन गति, परिसंचरी गति। घूर्णन गति एवं परिसंचरी गति दोनों को मिलाकर चक्रण गति कहते हैं। अब आप इस वीडियो में देखिए कोशिका द्रव में किस प्रकार घूर्णन गति हो रही है जिसके कारण आपको कोशिका द्रव में पाए जाने वाले सूक्ष्म अणु एक विशेष दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अर्थात दायावर्त अथवा बामवर्त दिशा में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो से यह स्पष्ट होता है कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार की गतियां पाई जाती हैं जो घूर्णन गति भी हो सकती हैं, परिसंचरी गति भी हो सकती हैं, परंतु ये सभी गतियां यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ऐसी गतियां प्रायः अनुपस्थित होती हैं अथवा अपवाद रूप में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रिला की पत्ती की कोशिका में पाए जाने वाली घूर्णन गति, ट्रिडस्कैंसिया के स्टेमिनल हेयर की कोशिका में पाए जाने वाली परिसंचरी गति, ये दोनों ही गतियां चक्रण गति के उदाहरण हैं। आप इस वीडियो में प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होने वाली गतियों को देख रहे हैं। रोमाभि पक्षमाभि या कशाभिका क्या है ये देखिए, आप लोगों ने कक्षा में देखा होगा स्लाइड में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये मैंने बनाया युगलीना का चित्र। युगलीना में धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं कशाभिका अर्थात ये फ्लैजेला। इसकी सहायता से युगलीना गमन करता है। उसी प्रकार आप लोगों ने स्लीपर एनिमल चप्पल की भांति दिखने वाला एक ऐसे जीव के बारे में पढ़ा होगा और उस जीव का नाम है पैरामीशियम। इसमें भी अनेकों पतले पतले रोए की तरह बाल के समान संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं पक्षमाभि रोमाभि सीलिया। परंतु सीलिया की संख्या अधिक और आकार छोटा, कशाभिका की संख्या कम तथा आकार बड़े होते हैं। दोनों का कार्य गमन में सहायता करना, ये गमनांग है, परंतु इनकी आंतरिक संरचना समान होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किए गए अध्ययन के आधार पर यह पता लगता है कि ये जो कशाभिका आपको दिख रही है ये एक धागा नहीं है, इसमें अनेकों पतले पतले अल्ट्रा थिन माइक्रोफाइबर्स मिले होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देखिए, यह है एक पतला सा धागा जो बाहर से दिखने में एक मोटा धागा दिखता है, परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करें तो इसके अंदर अनेकों पतले पतले धागे हैं। और यदि इनको हम यहां से अनुप्रस्थ काट काटें तो प्रत्येक धागे हमें अलग अलग दिख जाते हैं। एक धागा ये है, एक धागा ये है, एक धागा ये है, इस प्रकार से कई धागे हैं। अब जरा देखें अनुप्रस्थ काट में हमें कितने धागे दिख रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। इस तरह की संरचना आपको दिख रही है, ये एक ही धागे की संरचना है जिसमें दो इकाइयां पाई जाती हैं।
तो 9 पतले पतले धागे इस तरह परिधीय चक्र में पाए जा रहे हैं, परंतु बीच में आप देख रहे हैं तो इनकी संख्या क्या हो गई, 9 परिधीय परिधि की ओर। परंतु ये जो दो धागे हैं, ये एक धागा ये हो गया और ये दूसरा धागा हो गया, ये दोनों ही धागे केंद्रीय धागा अर्थात सेंट्रल माइक्रोफाइबर कहलाते हैं। तो बच्चों आपने देखा एक कशाविका या एक रोमावि 11 पतले पतले धागों से मिलकर बने होते हैं, इसके अतिरिक्त भी और भी धागे होते हैं परंतु मुख्य रूप से 11 पतले पतले धागे होते हैं और इनका अरेंजमेंट, इनकी जो व्यवस्था होती है, 9 पतले धागे परिधि की ओर होते हैं और 2 पतले धागे केंद्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं 9+2 व्यवस्था। तो यह 9+2 व्यवस्था जो धागों का व्यवस्था है, तंतुओं का व्यवस्था है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के कशाविका में नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कशाविकाओं में, रोमावि में पाया जाता है। तो यह भी एक विशेष लाक्षणिक गुण है कि कशाविका या रोमावि पक्षमावि सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात बहुत छोटे होते हैं, अल्ट्रा थिन होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोफिब्रिलर अरेंजमेंट इज लैकिंग, ये नहीं पाया जाता। यह भी एक लाक्षणिक विशेषता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं। आइए हम अगले लक्षण की बात करें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के चारों ओर प्रायः कैप्सूल पाया जाता है। आप देख सकते हैं यह एक यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जा रही है और कोशिका भित्ति के चारों ओर किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जा रही, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह है कोशिका भित्ति सेल वॉल और उसके चारों ओर भी एक और आवरण पाया जा रहा है, इसे कहते हैं कैप्सूल। तो प्रायः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जीवाणु कोशिकाओं में, कोशिका भित्ति के चारों ओर एक और आवरण होता है, रक्षात्मक आवरण होता है, जिसे कहते हैं कैप्सूल अर्थात पुटिका आवरण, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। राइबोसोम, बच्चों राइबोसोम के आधार पर भी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में पृथक्करण कर सकते हैं। राइबोसोम मुख्य रूप से कोशिका के कोशिका द्रव, केंद्र के केंद्र द्रव, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, हर्त लवक के स्ट्रोमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, केंद्रक कला की सतह पर पाए जाने वाली तथा कोशिका द्रव में पाए जाने वाली एक विशेष कणिकानुमा संरचना है, जो डीएनए के नियंत्रण में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। बच्चों ये जो S है वो अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को नापने की इकाई है, सेप्ड पर यूनिट इसे कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। यहाँ पर आप समझ लें कि 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वह स्वयं भी दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, छोटी इकाई 30S एवं बड़ी इकाई 50S कहलाती है, अर्थात 50S प्लस 30S बराबर 70S राइबोसोम होगा। यह गणितीय योग की भांति 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 नहीं होगा, यह 70 हो जाएगा। उसी प्रकार से 80S राइबोसोम भी दो इकाइयों से मिलकर बनी होती है, छोटी इकाई 40S और बड़ी इकाई 60S कहलाती है। तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 80S राइबोसोम। बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यह एक लाक्षणिक गुण है। लाइसोसोम, लाइसोसोम आप देख रहे हैं, लाइसोसोम एक ऐसी संरचना है जिसे हम आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। इसमें लगभग 30 अथवा अधिक प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतु अपने भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए उन्हें पचाने की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए जंतु कोशिकाओं में ही केवल लाइसोसोम पाए जाते हैं, लयनकाय इसे कहते हैं। परंतु चूंकि पादप स्वपोषी होते हैं
वो भोजन बनाते हैं, ग्रहण नहीं करते, उन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते। परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी लाइसोसोम नहीं पाए जाते। रिक्तिकाएं आप देख रहे हैं, पादप रिक्तिका ये रखी हुई, ये प्लांट सेल का एक चित्र है जिसमें अनेकों बड़े बड़े अवकाश रिक्त अवकाश पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं रिक्तिका या वैक्यूल। इन रिक्तिकाओं की संख्या तथा आकार पादप कोशिका में अधिक होती है, जंतु कोशिका में कम होती है, आकार भी और संख्या भी, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहीं भी रिक्तिका नहीं पाई जाती। यह भी एक लाक्षणिक विशेषता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है, परंतु दोनों कोशिका भित्ति के कोशिकीय संयोजन में, रासायनिक संयोजन में भिन्नता होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति में जो संरचना होती है अत्यंत जटिल रासायनिक संयोजन होता है, जिसमें होता क्या है, म्यूकोपेप्टाइड, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकॉन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल मिरेमिक एसिड, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलेनिन, एल एलेनिन आदि रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं। इनमें अधिक जटिलता पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में। उदाहरण, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए, ये जीवाणु का चित्र है और ये है नीले हरे शैवाल, ये ऑसिलेटोरिया नामक नीलहरित शैवाल है और ये नॉस्टॉक नामक नीलहरित शैवाल है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके आधार पर हम इन्हें यूकैरियोटिक कोशिका से पृथक कर सकते हैं। वीडियो देखिए, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं परीक्षा की, और यदि किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न दे सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।